रहे हैं हिंदू हिंसक होते हैं क्यों, लेकिन अगर राहुल ये बात कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं तो राहुल गांधी खुद इस बार की लोकसभा चुनाव में टिकते नहीं। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि राहुल जो कह रहे हैं हिंदू हिंसक होते हैं, अगर ये बात सही होती और राहुल गांधी इस बात को साबित कर सकते तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में टिकते नहीं। क्यों नहीं टिकते? क्योंकि रायबरेली अमेठी जिसे अपना गढ़ कहते रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता, वहीं पर राहुल गांधी को हिंदुओं ने बड़ी संख्या में वोट किया है। वहीं पर रायबरेली से इसके पहले उनकी मां सोनिया गांधी को बड़ी संख्या में वोट करते रहे हैं। अमेठी में भी बड़ी संख्या में हिंदू हैं और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीतती रही है। आज राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। हालांकि राहुल को बयान तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देना था, लेकिन राहुल का हिंदू ज्ञान ऐसा है कि वो बार बार हर बार अलग अलग मंचों पर हिंदुओं की भाषा परिभाषा बताना नहीं भूलते हैं। आज राहुल ने सदन में बोलते हुए हिंदुओं को दो धड़े में बांट दिया। राहुल ने सदन में बैठे बीजेपी नेताओं की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि ये हिंदू नहीं है और देश के प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। सत्ता पक्ष में बैठे हिंदुओं को एक तरह से हिंसक बताया है राहुल गांधी ने। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने अग्निवीर से लेकर किसानों पर भी गलत बयान दिया है। आज महाभारत में यही जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म को मानने वालों से आखिर आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है। ये सब जानते हैं कि राहुल और उनकी पार्टी धर्म विशेष को टारगेट करके तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करती है और इसी ध्रुवीकरण की सियासत के चलते राहुल गांधी बार बार हिंदुओं का अपमान करते हैं। क्या राहुल वाकई हिंदू शब्द, हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को मजबूत करने वालों का अपमान करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल के हिंदू विरोधी बयान पर सदन में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई सांसद अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान का खंडन करते हुए कहा। प्रधानमंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो बयान गंभीर है और उस पर विचार किया जाना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री ने तुरंत सदन में खड़े होकर इस बयान का खंडन किया। इसीलिए हिंदुओं का अपमान बर्दाश्त नहीं है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है ये आपको बता दे रही हूं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा आज कि ये विषय गंभीर है, इस पर विचार किया जाना चाहिए, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर है। उसके बाद बीजेपी के कई नेता सदन में खड़े हुए, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं और राहुल गांधी उन्हीं हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। इसके बाद अलग अलग जगहों से बीजेपी के नेताओं के बयान सामने आने लगे और राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति दर्ज कराई गई। अगला बयान सदन के भीतर से ही सामने आया, अगला बयान भी चिराग पासवान ने दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू भारत की आत्मा है और गर्व है कि हम हिंदू हैं और हिंदू हिंदुत्व को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके पहले भी कई बार मुखर रहे हैं और सीधे सीधे उन लोगों को जवाब देते रहे हैं जो हिंदू या हिंदुत्व पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इसके बाद अगला बयान किसका था ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी किशन रेड्डी ने, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिंदू नहीं होंगे तो देश में प्रजातंत्र और शांति नहीं होगी। तुरंत जी किशन रेड्डी ने भी यह बयान दिया, एक के बाद एक लगातार बयान सामने आए। और आलोक कुमार जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हिंदुओं के अधिकार दबाती रही है और इसीलिए आज हिंदुओं को हिंसक बता रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि विदेश में पलने वाले हिंदू संस्कृति को नहीं समझ सकते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की विचारधारा पर हमेशा से सवाल खड़े करते रहे हैं। टी राजा बीजेपी विधायक तेलंगाना से, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर अपनी मां से सीखो, राहुल अभी बच्चे हो, आपको हिंदुत्व के बारे में सीखना होगा। और इसीलिए ये तमाम नेता, जैसे ही राहुल गांधी ने ये बयान दिया, ये तमाम नेता सबसे पहले राहुल गांधी के बोलते हुए ही बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जगह पर खड़े हुए और उन्होंने साफ कहा कि यह विषय गंभीर है और इस पर विचार किया जाना